आप सभी को पता है कि आजकल नौकरियों की बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, इंटरमीडिएट हो जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं आज कॉल सेंटर जॉब, बीपीओ जॉब की, बीपीओ इंडस्ट्री की जॉब, जहां पर लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है एंट्री लेवल की। यह है ICCS नोएडा के, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो के बगल में है यह कंपनी ICCS सेक्टर 2 में। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पर सालों भर हायरिंग चलती है और किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है किसी भी बीपीओ इंडस्ट्री में या कॉल सेंटर में जॉब के लिए। यहाँ पर सालों भर हायरिंग लगभग चलती रहती है। जी हाँ, कॉल सेंटर में जैसी आपकी इंग्लिश या हिंदी अच्छी है उस हिसाब से आपको नौकरी मिलती है। तो यह सेक्टर 2 थी। अब मैं चला हूँ लेके आपको सेक्टर 60, नोएडा के सेक्टर 60, जहाँ पर है यह आई एनर्जाइजर। बहुत ही बड़ी कंपनी है नोएडा की, यह BPU की, जहाँ पर सालों भर हायरिंग चलती रहती है। यहाँ भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आपकी हिंदी डोमेस्टिक लेवल की है तो आपको अच्छी हिंदी है तो आपको 15,000 तक जॉब मिल जाती है, और इंग्लिश नेशनल लेवल की है तो आपको 25,000 तक की जॉब मिल जाती है। वहीं अगर आपकी इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल की है तो 40,000, 50,000, 1,00,000 तक भी सैलरी आपकी जा सकती है। ऐसे तो बीपीओ इंडस्ट्री में, कॉल सेंटर में बहुत सारे तरह के जॉब होते हैं, कैटेगरी होती है। यह है सेक्टर 16। मैं सेक्टर 16 आ गया आपको लेकर नोएडा का। यह भी सेक्टर 16 मेट्रो के बगल में ही है। तो सेक्टर 16 में देखिए, यह है आइसन बीपीओ, जहां पर हायरिंग सालों भर चलती रहती है। लगभग वी हर हायरिंग, देखो बोर्ड लगा हुआ है, रिज्यूमे लेकर आपको पहुँच जाना है। और यह है MBA कंसल्टिंग, जहाँ पर देख रहे हैं शाम को बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं अपने बीपीओ कॉल सेंटर के जॉब से। बीपीओ में तो बहुत सारे काम होते हैं, चैट प्रोसेस, कॉलिंग प्रोसेस, बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होते हैं, मगर कॉलिंग में, कॉल सेंटर में केवल कॉलिंग एंड कॉलिंग और कॉलिंग का ही काम होता है। तो यह है MBA कंसल्टिंग सेक्टर 16, जहाँ पर हायरिंग लगभग चलती रहती है। देख सकते इस तरह से हजारों सैकड़ों में बच्चे बाहर निकल रहे हैं। MBA कंसल्टिंग नाम है कंपनी का, जहाँ पर सालों भर हायरिंग चलती रहती है। जिसको किस्मत आजमाना है हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से बोल पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और यह है आ गए सेक्टर 16 के ऑलसेक कंपनी में, जहाँ पर हायरिंग चलती रहती है, बोर्ड लगी हुई है, देख सकते हैं। और यहाँ पर है जस्ट डायल, यहाँ पर जस्ट डायल का प्रोसेस चलता है कॉलिंग के लिए। तो यहाँ पर आपकी अच्छी इंग्लिश है नेशनल लेवल की, यहाँ पर आप किस्मत आजमा सकते हैं, सैलरी 25,000 तक मिल जाती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो कई प्रोफाइल होते हैं, कॉलिंग एग्जीक्यूटिव लेवल की, एंट्री लेवल की, टीम लीडर, डाटा एंट्री, IT, बहुत सारे काम होते हैं BPO में, कॉल सेंटर्स में। अपने प्रोफाइल के अनुसार किस्मत आजमा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह है सेक्टर 3, जो सेक्टर 16 मेट्रो के बगल में ही है। यहाँ पर एजिस, यहाँ भी सालों पर हायरिंग चलती रहती है। एजिस सेक्टर 3। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? बीपीओ और कॉलिंग इंडस्ट्री में जॉब सालों भर चलते रहते हैं, हायरिंग चलती रहती है। नोएडा के यह सेक्टर 15, सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के आसपास और भी सैकड़ों कंपनियां हैं जहां पर हायरिंग चलते रहती है। ये आपको मैंने कुछ बड़ी कंपनियों के नाम बताया, जहां पर अपने लंबे समय देखकर अपने प्रोफाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना है।